ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सेंट्रल मोमेंट्स, बीटा फंक्शंस, गामा फंक्शंस सब निकालना बताया था विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। सो लेट्स डू द मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने हैं। देखो, मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, यही करना है हमने। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन यानी कि मुझे क्या निकालना है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन में। अगर मैं फर्स्ट फोर मोमेंट्स की बात करूं, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश एंड सो ऑन, जितने आप निकालना चाहो, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालेंगे म्यू वन डैश। अब म्यू वन डैश की क्या फार्मूला हमने पिछले सेमेस्टर में किया है कि मोमेंट्स कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स। और फिर हमने एक्सपेक्टेशन लर्न किया था पिछले सेमेस्टर में कि एक्सपेक्टेशन का क्या फार्मूला होता है, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो दिस इज समेशन एक्स विल वेरी फ्रॉम जीरो टू एन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यानी कि इसका, क्योंकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जीरो टू एन वैल्यू तक वेरी करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होगी, एक्स वेरिएबल होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस पी एक्स। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी पी एक्स क्या होगी, उसकी एन सी एक्स इंटू पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। So I have substituted the value of this p of x. Summation x is vary from 0 to n. x ही हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की। अब इसको खोल दो, मतलब जब x 0 होगा, x 0 होगा तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, p रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये 0, q की वैल्यू n, n माइनस 0 यानी n। जब आपने x को 0 पुट किया, समेशन है, देन प्लस, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 n 1 p रेज टू पावर 1 q रेज टू पावर n माइनस 1, प्लस x को 2 पुट किया, x को 2 पुट किया, n 2 p रेज टू पावर 2 q रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह से अगर आप पुट करते जाओगे, जब x को आप n पुट करोगे, x को आप n पुट करोगे, n यहाँ हो गया और n सी एन 1 होता है, p रेज टू पावर n हो गया और q रेज टू पावर n माइनस n, यानी कि p वो n माइनस n तो 0 हो गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n p रेज टू पावर n, ठीक है। ये मैंने इस समेशन को खोला है कि जब x को 0 पुट किया, तब जब x को 1 पुट किया, जब x को 2 पुट किया, ऐसे पुट करते जाओ, और जब n को, x को n पुट किया, ठीक है। अब इनको खोल लो, ये तो 0 हो गया, इसको करो आप एन सी 1 क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी फार्मूला बताया ना, एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट करो, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आपके पास 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब वहाँ से जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से लेके 1 तक। n फैक्टोरियल का जनरल फार्मूला क्या बना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1, राइट। तो ये आपने फैक्टोरियल करके ये वैल्यूज निकाल ली हैं, देखो, तो ये यहाँ पे आपके एन सी एन की वैल्यू 1 हो गई, p q रेज टू पावर n माइनस 1, देन देखो ये मैंने एन सी 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, इस तरह से मैंने सबको खोला। आप देखो एन पी को बाहर निकाल लो, एन पी को बाहर निकालोगे, अंदर आपके पास ये बच जाएगी वैल्यूज़। जब ये वैल्यूज़ बच गई तो ये किसका बन जाता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाती है। ये आपने टेंथ में फार्मूलाज पढ़े होंगे, तो उसमें क्यू प्लस पी की पावर एन माइनस वन की एक्सपेंशन बन गई एक्सपेंशन फार्मूला से, ठीक है। अब हमें पता है पी प्लस क्यू क्या होता है, 1 बताया था ना मैंने, P इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1,
तो ये वन हो गया, तो आपके पास क्या एन पी, तो म्यू वन डैश इज एन पी, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजन इज एन पी, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजन इज एन पी, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजन, अब सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजन क्या है, वही म्यू टू डैश और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वही आप करोगे, प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी, पी ऑफ एक्स यही रहेगी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने क्या करा है, समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन, इस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा है एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ताकि इसको एक्सपेंशन बना सकें, ठीक है, अगर आप खोलो तो देखो क्या आता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर ही बचा ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसको दो टर्म में कंसिडर कर लो, समेशन एक्स इंटू दिस प्लस समेशन एक्स इंटू दिस, ठीक है, खोल दिया मैंने। अब ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ आपके पास ये है, अभी ऊपर निकाला आपने, समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स एक्स एन एक्स मतलब एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, ये निकाला हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे की, एन इंटू पी, क्या वैल्यू है एन पी, ये निकाली मैंने अभी, ठीक है, तो ये एन पी मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। अब इसको खोल लो, इसको जब मैंने खोला, ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको खोल के हिंट दिया, आप ऐसे खोल लेना इसको, खोलोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, तो ये आ गया, यहाँ से एन पी वापस कॉमन ले लिया, एन इसको निकाला तो ये बन गया आपके पास एन पी, अंदर आ गया क्यू प्लस एन पी, ठीक है, तो इसे खोल लो, तो ये आपके पास निकल आई इसकी वैल्यू म्यू टू डैश की, किसकी वैल्यू निकल आई है म्यू टू डैश की। सिमिलरली आप म्यू थ्री डैश निकाल लेना, कैसे क्या निकालना है, म्यू थ्री डैश कैसे निकलेगा, म्यू थ्री डैश में आपको मैंने फार्मूला बताया ही था अभी, जैसे अभी बताया है वैसे ही म्यू थ्री डैश का फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा म्यू थ्री डैश का फार्मूला, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, यानी के वही एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स क्यूब का मतलब हम समेशन कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको पता ही है समेशन आगे एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होती है आपको पता है ना, एन सी एक्स, अभी हमने जो जब निकाला था एन सी एक्स इंटू पी रेज टू पावर एक्स इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। अब वही बात है, इस एक्स क्यूब को कैसे खोलना है, जैसे उसमें मैंने एक्स स्क्वायर को खोला, इसमें एक्स क्यूब को आप ऐसे खोलना, समेशन एक्स इक्वल टू जीरो टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस एक्स। अब इसको आप अगर खोलोगे तो ये एक्स क्यूब ही आएगा, इसको खोलोगे ना तो ये एक्स क्यूब ही आएगा, सिर्फ एक्स क्यूब को ऐसे लिखा मैंने ताकि मेरी वो एक्सपेंशंस बन सके, ठीक है, और बाकी आपके पास ये इसके साथ ही आ ही जाएगा जो हमने निकालना है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स और ये ब्रैकेट वन, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट, तो वो म्यू थ्री डैश आ जाएगा। इसी तरह से आप म्यू फोर डैश निकाल सकते हैं, म्यू फोर डैश क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की फोर, ठीक है, अगेन एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की फोर, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स फोर एन एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है वैसे ही, ठीक है। सो म्यू वन डैश और म्यू टू डैश मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाए, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश को आप खुद सिंप्लीफाई करना, आई एम गिविंग यू एज एन होम एक्सरसाइज, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत आएगी कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से डिस्कस करना। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स आपने कंप्लीट ड्राइव करने हैं, कंप्लीट सॉल्व करने हैं, म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश, चारों को आपने
सोल्व करना है, चारों को आपने लिखना है। और जब चारों आपके पास मीन्स फर्स्ट फोर मूमेंट्स अबाउट ओरिजन आपके पास आ जाएंगे तो आप सेंट्रल मूमेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, वो फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे सेंट्रल मूमेंट्स के पिछले लेक्चर में, और बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शंस भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपने इसका भी एक एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल 8.12 और 8.13 ये एग्जाम्पल करके देख लेना कि आपको पता चलते हैं या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 8 मतलब इनको कर जरूर लेना, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स ये हैं। अब तुम्हें पता है मीन और वेरिएंस भी हम इसका निकाल सकते हैं, मीन और वेरिएंस भी हमें इसका पता होता है कि हम इसका मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन जो है वो म्यू वन डैश, जो म्यू वन वन डैश की वैल्यू जो है वो मीन ही होती है ना। तो म्यू वन डैश क्या है, म्यू वन डैश को ही मीन बोलते हैं। तो मीन मेरा कितना है एनपी, तो आप ये कह सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है एनपी। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो हम निकालते हैं उसका उसका क्या फार्मूला होता है, जो हम वेरिएंस होता है म्यू टू। ठीक है, मतलब मीन जो होता है ना एक्चुअली वो म्यू वन डैश होता है। ठीक है, और वेरिएंस जो होता है वो म्यू टू। ठीक है, म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो म्यू टू मैंने जब आपको उसका म्यू वन डैश म्यू टू डैश निकाला तो म्यू टू निकल जाता है ना। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये जब आप निकालोगे इट विल बी एन पी क्यू। ठीक है, तो ये इसका इसको बोलते हैं वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं वेरिएंस। सो आपको अगर कोई अगर आपके पास आता है कि बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके उसका प्रोबेबिलिटी जो याद रखने वाली बातें हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, और एक्स विल वेरी फ्रॉम जीरो टू एन। पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एन एन एंड पी। ठीक है, मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिसे हम म्यू वन डैश कहते हैं, दैट इज एन पी, ये मीन है। वेरियंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी क्यू। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। क्या बोला मैंने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। उसके पैरामीटर्स क्या हैं, एन एंड पी। उसका मीन क्या है, एन पी। उसका वेरियंस क्या है, एन पी क्यू। ठीक है, उसका वेरियंस क्या है, एन पी क्यू। ये आपने रिमार्क्स जो हैं वो करने हैं, रिमार्क्स 1 एंड 2 ऑन पेज नंबर 8.10। ठीक है, पेज नंबर 8.10। तो इसके आगे का काम जो है वो हम कल करेंगे, जिसमें हम रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे मूमेंट्स का। मूमेंट्स का क्या निकालेंगे, रेकरेंस रिलेशन। तो आपने यहाँ तक पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और उसके मूमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके okay?